गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका नाम क्या हुआ? मंजय कुमार। आप इससे पूर्व में भी किसी जॉब में हैं? यस मैम। किस जॉब में? वडोदरा मंडल में रेलवे में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत। कब से ज्वाइन हुआ कार्य? 2019 में। रेलवे से आप जुड़े हुए हैं? यस मैम। कुछ न्यूज बताइए आज का। मैम आज जैसे दानापुर मंडल में एक ट्रेन दुर्घटना हुई है, डीरेलमेंट हुई है। कहाँ हुई है? दानापुर मंडल में रघुनाथपुर। ये कितने बोगी डीरेल हुई थी? एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है मैम, लेकिन 24 या 21। कुछ हताहत भी हुई है? चार लोग शायद मरे हुए हैं। और घायल? 70-80 के आसपास। इतना टेक्नोलॉजी का विकास होने के बावजूद भी इस तरह से रेल ड्रिल होने की घटना या दुर्घटनाओं की जो घटनाएं हम सुनते हैं, यस मैम, आपको क्या लगता है कि चूक कहाँ होती है, किस स्तर पे चूक होती है? मैम जैसे CAG का एक रिपोर्ट आया था हाल फिलहाल में, उनके अनुसार मैम ये बताया गया था कि स्टाफ की कमी है अभी रेलवे में, तो सेफ्टी स्टाफ की कमी की वजह से जहाँ तक मुझे लग रहा है। और सेफ्टी स्टाफ की कमी से डिरेल होना मतलब क्या? रेलवे को स्टेशन से सिग्नल नहीं सही रूप से समय से प्राप्त हो रही है, या फिर उसके अंदर लोग मतलब जो भी है मानव संसाधन की कमी है, क्या है इसमें? मानव संसाधन की कमी, सेफ्टी से जुड़े जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें सेफ्टी पर्सनल यानी कार्मिकों की कमी की वजह से आपको नहीं लगे, या फिर कार्मिकों की कमी या फिर उसके जो हम क्षमता वर्धन की बात करते हैं उसमें भी तो कमियां हो सकती हैं? यस मैम, मशीनीकरण में हो सकता है कमी या कोई भी, या फिर ये नहीं हो सकता कि मानवीय चूक होती है? यस मैम, मानवीय चूक भी हो सकती है मॉनिटरिंग की वजह से। यस मैम, जैसे जिस प्रकार से आप मानव संसाधन की कमी की बात कर रहे हैं जी, तो इस मशीनी युग में मानव संसाधन की कमी की बात थोड़ा सा मैं इससे असहमत हूँ, क्योंकि मशीन काफ़ी हद तक जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की जो ज़रूरतें होती है उसको कम कर देती हैं। यस मैम, लेकिन जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है या फिर जो अलर्टनेस की बात है, यदि वो नहीं रहे तो बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज होकर या टेक्नोलॉजी होकर के भी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। यस मैम, संभव है। तो मेरा मानना है कि कहीं कहीं मॉनिटरिंग स्तर से ये हो रही हो, मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा हो। यस मैम, प्रॉपर जैसे सिग्नल स्टाफ हुए सिग्नल या ट्रैफिक डिपार्टमेंट, वहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। एक अभी और एक दुर्घटना घटी थी इससे पूर्व। यस मैम, किस राज्य में घटी थी? काफी ओडिशा के बालासोर दुर्घटना। अभी एजेंट ट्रैकमैन जो आप इस जॉब में है, आपका क्या ड्यूटी वहाँ रहता है मेनली? ट्रैक से सुरक्षा, जैसे ट्रैक पे ट्रैक को मेंटेन रखना है, उसमें जो भी कमियाँ है उसको दूर करना है। तो इस तरह ट्रैकमैन तो हर एक मतलब हर एक जगहों पर फिक्स? यस मैम, पूरी। तो फिर ट्रैक तो हमारा सेफ है, जैसा कि आप एक्टिव होंगे जरूर अपने फील्ड में अपने जॉब के प्रति। यस मैम, तो जितने ट्रैकमैन हमारे होंगे वो तो ट्रैक का प्रॉपर मेंटेनेंस या रख रखाव वगैरह देख ही रहे होंगे। यस मैम, और इस फील्ड में आने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें सिविल सेवा में जाना है? मैम जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी समय से हम सोचे थे कि सिविल सर्विस में जाना है, और सिविल सर्विस का प्रेरणा में एक बार SDM सर आए थे हमारे स्कूल में, वहाँ उनके बारे में हम SDM के बारे में जाने थे, तो मैम हमको लगा कि सिविल सर्विस में जाने थे। उस वक्त आप? यस मैम। उस वक्त आप किस कक्षा में थे? 10th में थे। आपके फैमिली से कोई सिविल सर्विसेज में है? नो मैम। दोस्त वगैरह आसपास? नो मैम। तो SDM सर से इतना प्रभावित हुए, क्या प्रभावित हुए? वो सर आए फिर पूरा मंच उनको मिला होगा सभी का, वो आइकॉनिक रहे, या फिर क्या क्या आपको उनकी क्या बातें मतलब कुछ तो बता बोले होंगे कुछ ऐसे लाइंस, क्या याद रहा? मैम SDM सर तो आए तो भाषण भी दिए थे, उसके बाद मैम चले गए तो हम सर से इंटरेक्ट हुए,
सर से हम पूछे कि एसडीएम सर के बारे में, तो एसडीएम के बारे में बताया कि इनका क्या कार्य होता है, तो उनके बारे में, तो मेरे को प्रेरणा मिली है इस क्षेत्र में आने। तो भाषण जहाँ तक देने की बात है, भाषण एसडीएम सर एक जैसे कोई नेता मिनिस्टर भी आते हैं भाषण दे के जाते हैं, क्या आप उनसे नहीं प्रभावित हुए, आपको नहीं लगा कि आपको पॉलिटिशियन बन जाना चाहिए जब भाषण से आप प्रभावित हुए थे? नहीं, मेरी मैम कैपेसिटी सिविल सर्विस में पढ़ रहे थे तो मेरी ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है। राजनेता भी समाज सेवा ही करते हैं, एसडीएम भी समाज सेवा के लिए बने। मेरी सर मैम आपको एसडीएम सर का अच्छा लगा आना, उनका भाषण सुने तो आपका कुछ ऐसा दिखा, जैसे बाद में तो आपने सर से उनके पावर एम्पावर जो भी ड्यूटी सब के बारे में जाना होगा, लेकिन सर का जो आपका इंटरेक्शन रहा जिस तो उसमें आपको क्या कुछ तो दिखा होगा, सर का गाड़ी, सर का गार्ड या क्या कुछ ऐसा दिखा, वो सत्ता लुभाई, सर को जो सर मैम सम्मान मिला, अच्छा जो सम्मान मिला जो उनका रुतबा था, ये सभी तो मतलब इस फील्ड में सम्मान और रुतबा के लिए आना चाह रहे थे। सम्मान है, रुतबा भी है, और मैम वो सेवा है समाज में, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, कमजोर वर्गों का सम्मान, पॉलिटिशियन भी तो समाज का सेवा। यस मैम, बट मेरा वो कैपेसिटी उस क्षेत्र में नहीं था। कैपेसिटी या रुचि? नहीं मैम, कैपेसिटी। आप कैसे अपनी कैपेसिटी को डिफाइन कर लिए? रुचि ये आपकी हो सकती है कि उस कैपेसिटी, एक नेता बनने की क्या कैपेसिटी हो सकती है? मैम नेता बनने में जो है कि वो भी कैपेसिटी, जो मतलब कैपेबिलिटी चाहिए वो प्रशासन में भी चाहिए, लेकिन मेरे को मैम उनमें ज़्यादा मेरे को ये लगा। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? दूसरा अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट किस में दिए थे? 66 में दिए थे मैम, बट उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अभी CDPO दिए थे, इंटरव्यू दिए थे CDPO में। और ये आपका यदि देखा जाए कायदे से तीसरा इंटरव्यू में दूसरा है। तो आप जैसा कि बिलोंग करते हैं हाजीपुर से, हाजीपुर का ईस्ट चंपारण, अच्छा केसरिया से, ईस्ट चंपारण, केसरिया के बारे में बताएं वो क्यों प्रचलित है? केसरिया मैम दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, अभी 104 फीट जिसकी ऊंचाई है, और वहाँ पे केसरनाथ बाबा का मंदिर भी है शैव धर्म से संबंधित। और अभी मैम शैव धर्म का मतलब क्या हुआ? शिव से संबंधित, शिव जी का शैव धर्म या शैव धर्म? यस मैम। और अभी चकिया और केसरिया रोड पे रामायण विराट मंदिर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण राम जी का मंदिर बन रहा है। लॉकडाउन में केसरिया चंपारण के पास इस चंपारण में ही कुछ उद्योगीकरण हुए हैं जो फेमस भी हुआ था, न्यूज में भी आया था। यस मैम, पिपरा में है शायद। किस प्रकार का उद्योगीकरण वहाँ पर विकसित हुआ था? मिट्टी गुणवत्ता परीक्षण के लिए एग्जैक्ट मालूम नहीं है। नहीं, कुछ उद्योग, मिनी उद्योग, लघु उद्योग की बात हम कर सकते हैं, उस प्रकार के उद्योग वहाँ डेवलप हुए हैं आफ्टर लॉकडाउन। जो यूनिट्स आउट ऑफ बिहार से बाहर कहीं लगे हुए थे, वहाँ से जब वो प्लान किए तो अपना सारा इक्विपमेंट और भी जो भी टेक्नोलॉजी या फिर मानव बल तो अभी बिहार का ही रहता है, कहीं भी जाते हैं तो वो सारे एक छोटे यूनिट के रूप में इस चंपारण में कहीं स्थापित हुए हैं, और वो काफ़ी आइकॉनिक रहा, जिसमें जीविका के स्तर से भी काफ़ी काम हुआ है। तो क्या आप इस बारे में अवेयर हैं? नहीं मैम। कपड़ा उद्योग वहाँ? थैंक यू। तो इस बारे में देखें? यस मैम, मैं देख लूँगा। जीविका के बारे में आप जानते हैं? यस मैम, जीविका 1975 में, ये नहीं मैम, ये अभी बिहार गवर्नमेंट का एक लाया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसमें मैम इसकी उपलब्धि के बारे में कुछ बताइएगा। वर्ल्ड लेवल पर कुछ उपलब्धि रही है जीविका? वर्ल्ड लेवल पर पौधारोपण कार्यक्रम में हमने लिया, नहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो है ही, लेकिन जीविका के थ्रू जितने लोगों को जोड़ा गया है, जो इनोवेशन बिहार सरकार का रहा, इसे विश्व स्तर पर भी इसको सराहा गया था। तो जीविका को कौन नहीं कर पा रहा है? हाजीपुर का कुछ प्रसिद्ध है
खाद्य पदार्थ समथिंग कुछ केला, हाजीपुर का केला और कुछ, और कुछ है रेल मंडल, आप जिस फील्ड में हैं वहाँ एक रेल मंडल भी हाजीपुर का है। यस मैम, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर का मुख्यालय है, उसका मुख्यालय है। यस मैम, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? गांव में हुई मैम प्रारंभिक दीक्षा, और केसरिया हाई स्कूल से मैट्रिक किया मैंने। और उसके बाद मैं उच्च शिक्षा भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएशन, राजनीति शास्त्र प्रतिष्ठा का विषय रहा है। तो ये जो आप तैयारी किए, ये आप सेल्फ किए या फिर किसी इंस्टीट्यूट से? यस मैम, 2016 में मैं इंटर करने के बाद 2016 से 19 तक मैं सेल्फ स्टडी किया, फिर 2019 में मैं मेरा जॉब लग गया, उसके बाद से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी के दौरान कभी आपको ये नहीं लगी कि कोचिंग से जुड़े होते तो, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप दो बार इंटरव्यू दे चुके हैं, दोबारा देने जा रहे हैं, तो यदि आप कोचिंग से जुड़े होते तो थोड़ा आपकी जो जर्नी है वो संक्षिप्त तो हो जाती, जल्दी मिल जाती, ऐसा कभी फील? यस मैम, मैं जब हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल रहा है तो मैं पेन ड्राइव कोर्स लिया था, दिल्ली के बहुत प्रतिष्ठित सर हैं विकास देवी कीर्ति सर, उनसे मैं पेन ड्राइव कोर्स लिया था। यस मैम, तो आपको लगा कि कोचिंग से जुड़े होते तो? मैम, बहुत लोग हैं जो सेल्फ स्टडी से भी करते हैं, और ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले थोड़ा हेल्पफुल रहते हैं, थोड़ा हेल्प हो जाता है, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है तो थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। लेकिन फाइनली आप जो आपकी जो इच्छा शक्ति है या आपकी कैपेबिलिटी है वही आपको अल्टीमेटली मंजिल तक ले जाती है। आप दो तीन एम बताइए या लक्ष्य, मतलब इस फील्ड में आने के बाद आप क्या चाहेंगे कि प्रशासन में ऐसा क्या, मतलब इनोवेशन तो अल्टीमेटली आप एक हैंड से नहीं ला, वन हैंड नहीं ला सकते, लेकिन आप फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो प्रशासन में, क्या चाहेंगे? मैम, हम ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में घूमना चाहेंगे, लोगों से इंटरेक्ट होना चाहेंगे प्रॉपर, हफ्ते में एक बार दो बार मैं फील्ड विजिट करना चाहूँगा जिससे ज़्यादा लोग समझ सके, और उनको विश्वास दिलाऊंगा कि प्रशासन उनके हित में है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ सकें, और लोगों की सहभागिता मेरा सबसे परम उद्देश्य रहेगा प्रशासन। फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जाने पर जो चीज़ें आएंगी उभर कर, यस मैं, आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ चीज़ें हैं कि ऑफिस से वो हैंड ओवर हो जाती है, लेकिन फील्ड में जाते जाते वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। यस मैम, सपोज, और ये पता चले कि आपका ही स्टाफ उसमें इन्वॉल्व है। यस मैम, ऑन पेपर तो वो दिखा रहा है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन जब आप टू द ग्राउंड गए हैं तो वहाँ दिख नहीं रही हैं, तो उसमें आप क्या स्टैंड लेना चाहेंगे? पौधारोपण की आप बात किए, मान लीजिए कि आप के किसी योजना के तहत आपने पता किया कि पौधारोपण का बृहद स्तर पे कार्य हुआ है, और जब फील्ड आप घूम के गए हैं तो वहाँ पर पौधा की जगह पे आपको पूरा ऐसी बंजर भूमि या जो भी है खेत वगैरह दिखाई दिया, पौधा उस रेशियो में नहीं थे या फिर नहीं ही थे, और ये आपको पता चला, आपको कोई किसी ने बताया नहीं, आप खुद उसको ऑब्जर्व करके आ गए हैं, अब आपका पहला प्रतिक्रिया क्या रहेगा कि इसको कैसे टैकल करेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी रहेंगे उनसे पता करूँगा कि कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ गड़बड़ी हुआ है, वो सब पता करूँगा। उसके बाद मैं फिर भी फील्ड विजिट करके वहाँ के प्रशासन जो वहाँ पे राजनेता हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं, उनसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर इसमें क्या कमी है, फिर उसके अनुसार मैं अपना कार्य करूँगा। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि आपके जो अधीनस्थ हैं वही मिलीभगत किए हैं, मतलब सिर्फ पेपर पे आपको दिखाया गया है कि हाँ ये है, बट वो ऑन स्पॉट है नहीं एक्चुअल में। इसमें आपका प्रथम प्रतिक्रिया क्या रहेगा? मैं एक स्पेशल मीटिंग बुलाऊंगा और उसमें सबकी सबसे बात करके तो फाइनली जो भी इसके पीछे जो होगा उसको मैं उस पर मैं एक्शन लूंगा। जैसा कि अभी आप बताए कि कोई पॉलिटिकल मतलब लोगों से आप मिलेंगे या पॉलिटिकल लोगों का भी हाथ रहेगा, उस तरफ से आपका दबाव आएगा
कि नहीं नहीं ये ऐसा है तो फिर इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, पहले भी तो ऐसे ही होता था, आप नए थोड़ी आए हैं, फिर आपका क्या रहेगा रिएक्शन? मैं मेरे जो कार्य क्षेत्र में है और जो उचित है वो मैं एक्शन लूंगा। मैं हिंदी भाषा साहित्य यस सर ऑप्शनल है, रस क्या होता है? रस वो सर काव्य या पद्य या कोई भी मतलब काव्य कविता है उसमें एक आनंद का भाव पैदा करता है सर। कितने रस होते हैं? मिलता 11 प्रकार के रस होते हैं। 11? यस सर। आपको कौन से कवि पसंद है? निराला। निराला पसंद है? यस सर। उनकी कोई कविता आपको ज़्यादा पसंद है बताइए, कौन सी कविता? ये सर उनकी कविता में कुकुरमुता भी है, राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है। किसका लाइव सुना सकते हैं? राम की शक्ति पूजा सुनाइए। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया अमर राम रावण का अपराजय समर आज का। और दो है सर, शक्ति करो मौलिक कल्पना करो कुछ क्रम से याद नहीं। नहीं सर क्रम से कोई बात नहीं। कौन कहता है ये शक्ति करो मौलिक कल्पना? सर ये जाम्बोल राम जी को कहते हैं। अच्छा, आपको कहानी उपन्यास अभी हाल में कुछ पढ़ाया है? ये सर हाल में नो सर। किसका कहानी पसंद है आपको? प्रेमचंद। प्रेमचंद का? ये सर। कौन सी कहानी? प्रेमचंद सदगति। सदगति के पात्र का नाम क्या है जिसको पंडित जी प्रताड़ित करते हैं, उसका नाम? दुखी चमार। दुखी चमार। दुखी चमार। ये सर। और कोई कहानी? ये सर सदगति है। गोदान पढ़ा है? गोदान। ये सर संक्षेप में पढ़े हैं। तो जब भोगी मर जाता है ये सर तो पंडित जी को क्या बोलती है धनिया? सर सर्च कर लाएंगे आदमी। मालती कैसे करते हैं? मालती बहुत पहले पढ़े हैं आप शायद। यस सर। ऐसा लग रहा है भूल गया तो लड़की। गोदान कहानी तो ऐसा है जो पढ़ लीजिए फिर याद रह जाता है। इंटरेस्टिंग कहानी है, गाँव से आप हैं, ग्रामीण जीवन की कहानी है ना सर। मालती मेहता के संपर्क में आती है तो ये तो पहले से क्या रहती है? सॉरी सर। अच्छा, खड़ी बोली हिंदी के जनक कौन है? खड़ी बोली हिंदी के जनक भारतेंदु। भारतेंदु है? उससे पहले खड़ी बोली नहीं थी सर? थी लेकिन उतनी खड़ी बोली के सर वो पद्य और गद्य में इस्तेमाल करने में। अमीर खुसरो का नाम सुना? यस सर अमीर खुसरो। वो खड़ी बोली में कुछ ये सर लिखे भारतेंदु तो करीब 1750 1850 में। ये सर 700 साल बाद है, कैसे खड़ी बोली 700 साल पहले अमीर खुसरो को ही बता रहे हैं? ये सर अमीर खुसरो की रचना खाली बारे में से मिलती है तो फिर यहाँ तो खड़ी बोली था भादर भारत में कैसे ना। लेकिन सर व्यापक पैमाने पर इसका इस्तेमाल खड़ी बोली भादर तो खड़ी बोली की भादर है, कंफर्म है इस बात से? सॉरी सर। अच्छा, अमीर खुसरो निस्बत दो सपने दो सुख ने इसके बाद मुकरी दिए सर। अमीर खुसरो की मुकरी कुछ याद है? मुकरी मुकरी क्या होता है सर? इसका थियोरेटिकल नॉलेज नहीं। अच्छा, नहीं पढ़े इसको? पढ़े हैं सर बट आदिकाल में था ये सर। आदिकाल में है। अच्छा, निस्बत सुनाइए कोई। नहीं सर। अच्छा, दो सपने कुछ अमीर खुसरो का सुना दीजिए। ढकोसला है सर उनका। अमीर खुसरो का कुछ सुना दीजिए आप, आपको जो पता है दो लाइन सुनाइए हमको सर। उनका है कि आराम से बताइए, मसूर की आराम से बताइए। काहे को बियाह परदेश सुन बाबुल मोरे, मैं तो तेरे खूटे की गई है, हाकी होके जाऊं परदेश सुन बाबुल मोरे। अच्छा चलिए ठीक है, गुड लिसनिंग सिंगिंग म्यूजिक। यस सर। कुछ अंतर होता है गजल गजल और शेर में, क्या अंतर है?
सर बट मैं सुन लेता हूँ, लेकिन सर थियोरेटिकल नॉलेज सर ये गजल क्या? किस भाषा का शब्द है? गजल फारसी में भी सर, में भी अरबी भाषा का शब्द है। थैंक यू सर। अच्छा आप बताइए, चंद्रयान 3 अभी सुना है आपने? यस सर। चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों का अचीवमेंट बताइए आप। 1 ने क्या अचीव किया, क्या मिला? 2 ने क्या किया, 3 ने क्या किया? 1 का तो सर 2008 में लॉन्च हुआ था, बट उसके अचीवमेंट के बारे में अचीवमेंट ही बताना है, कब लॉन्च हुआ नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा कोई आदित्य एवं एल क्या है? लैग्रेंज पॉइंट है सर। क्या होता है लैग्रेंज पॉइंट? सर वहाँ पे सर दो सेलेसियल बॉडी के बीच में सर ग्रेविटेशन फोर्स वो बैलेंस रहता है। अच्छा गुड। पॉलिटिकल साइंस ऑनर से आपका? यस सर। किसने कहा था कि मनुष्य जन्म से लेके मृत्यु तक समाज की भेड़ियों में जकड़ा रहता है, खुद पर कुछ कर नहीं पाता है? सर लास्ट की आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का नाम सुना है? किसका है? रूसो का। शायद उन्होंने कहा था सर सर्वत्र प्राणी जन तो स्वतंत्र होता है, लेकिन वो सर्वत्र जन जीवन से बंधा है। यस यस सर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? अरस्तु। अरस्तु ने कहा था। अच्छा गणतंत्र और लोकतंत्र आप बताइए, भूटान कैसा देश है? भूटान लोकतंत्र लोकतांत्रिक है या गणतांत्रिक है, दोनों है? भारत कैसा देश है? भूटान भारत सर लोकतंत्र है। गणतांत्रिक नहीं है, भारत में बनाते का है बनाते रिपब्लिक तो बनाते हैं भाई। ये सर तो दोनों है, भारत तभी तो बनाते हैं, डेमोक्रेटिक भी है रिपब्लिक भी है। ये सर और कोई देश भारत के पड़ोसी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों है या कोई नहीं है सर? कोई आइडिया नहीं है? आप PSLV और GSLV दो लॉन्च पैड का नाम सुने होंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? सर PSLV जो है GSLV की अपेक्षा ये कम वजन को सर कम वजन वजनी उपग्रह को लॉन्च करने में PSLV का उपयोग किया। भारत के पास दोनों है? ये सर GSLV हम लोग किससे लिए थे? सॉरी सर। अच्छा आप बताइए, टिशू कल्चर एक शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये सर क्या होता है टिशू कल्चर? टिशू कल्चर में होता है किसी जीव या पेड़ पौधा है उसका कोई एक टिशू लेकर के और उसको संवर्धित किया जाता है। क्या संवर्धित मतलब क्या होता है उसमें? सर कुछ मॉडिफाई करके एक नया नया जीव या संतति उत्पन्न किया जाता है। किया जा सकता है? यस सर। नया जीव उत्पन्न कर दिया जाता है, वो जीव का स्पेसिस सेम होगा कि पेरेंट्स से सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर सेम होगा, स्पेसिस सेम होगा। अच्छा DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है? DNA फिंगरप्रिंटिंग सर एक सर तकनीक है, इसे सर चोरों का ये या जो भी सर अपराधी है उनका सर डाटाबेस बनाने में। बस अपराधी का है, सीधे अपराध के तरफ आपका दिमाग क्यों जा रहा है? ये सर उसके और भी कई सारे प्रारूप हैं। DNA क्या होता है? व्हाट इज DNA? DNA एक ये एक अनुवांशिक प्रोटीन है। अनुवांशिक प्रोटीन है, अनुवांशिक इकाई बोल सकते हैं। ठीक है, अनुवांशिक इकाई DNA को बोल सकते हैं? जीन, जीन सॉरी सर। जीन को ना बोला गया? यस सर। अच्छा DNA क्या है? क्रमिक विकास के क्रम को अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जीवों की जो उत्पत्ति का क्रम है उसको समझाइए। सबसे पहले धरती पर कौन आए, उसके बाद कौन आए, शुरुआती तौर पर लाइफ का ओरिजिन इस अर्थ पर क्या है? पृथ्वी आज से कितना साल पहले बना? 4.5 अरब साल पहले। जीवन आया इस पर 2.5 अरब साल पहले। तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन है? सॉरी सर इसका सैलामेंडर का नाम सुने हैं? एप्स का नाम? एप्स ही है सर। क्या होते हैं एप्स? रेप्टाइल्स का जो युग था इस धरती पर वो कौन सा युग? जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड कौन से रेप्टाइल्स रहा करते थे? डायनासोर। डायनासोर आया करते थे, क्यों खत्म हो गया वो डायनासोर? लैमार्क का नाम सुना है? लैमार्क बात पढ़े हो? yes. क्या था लैमार्क बात?
सर ये पढ़े हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में लैमार्कवाद पढ़े? बायोलॉजी में। सॉरी सर। क्या है लैमार्कवाद? सॉरी सर। अच्छा डार्विनवाद क्या है? डार्विन का नाम सुना है आपने? यस सर। कौन थे डार्विन, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है अनुवांशिकता में इनका? डार्विन का अनुवांशिकता में ग्रिगर जॉन मेंडल और डार्विन को आप मिला नहीं रहे हैं? सॉरी सर। डार्विन का कोई थ्योरी आप नहीं जानते हैं? सर अभी भूल रहे हैं सर, पढ़े थे। अच्छा उत्परिवर्तनवाद क्या होता है? कबीर दास के बारे में कोई उनका दोहा से स्पष्ट करिए कि कबीर जो है वो सुधारवादी कवि हैं, क्रांतिकारी कवि हैं, भक्ति के तरह भी वो उनकी उनके जो दोहे हैं वो प्रचलित हैं। तीन अलग अलग लाइन में तीन आयाम में तीन दोहों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है कि कबीर जो है, कबीर जो है वो भक्ति में है, सुधारवाद में है और क्रांतिकारी में है। भक्ति में उनका एक दोहा है, हरि मोरा पियूं मैं हरि की बहुरिया, ये एक है सर। पूरा दोहा बताइए सब। यही इतना लाइन याद है? इतना ही लाइन है? इतना ही सर हमको याद आ रहा है अभी। अच्छा और सर इससे क्या बता, भक्तिवाद बताना चाह रहे हैं? ये सर भक्त का भी क्या है मीनिंग इस दोहे का? सर हरी ही मेरा सब कुछ है, उनका मैं दास है। दोहा बोलिए फिर से एक बार रिपीट करें। हरी मोरा पीऊ मैं हरी की बहुरी है। अच्छा ठीक है भक्तिवाद, और आगे बताइए। सर वो क्रांति के क्षेत्र में सर वो वर्ण और जाति आडंबर पर जो सर उनका कोई दोहा से स्पष्ट करिए। हरी पूजे काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए। सॉरी सर। ताचड़ी मुला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। चलिए भक्ति पर है, इससे भक्ति तो सुधारवाद पे। यस सर। अच्छा भक्ति हो गया, सुधार हो गया, क्रांतिकारी कवि थे ये सर, यही क्रांति है उनकी। अच्छा ये क्रांति सुधार भी क्रांति दोनों है? नहीं सर वो आडंबर का सर विरोध करते हैं वर्ण को। सुधार हो गया? नहीं सर क्रांतिवादी क्रांतिकारी बताइए। हॉबी है आपका लिसनिंग एंड सिंगिंग म्यूजिक? यस सर। अच्छा तो आपको किस प्रकार के गाने पसंद है? गजल लोकगीत। गजल फेवरेट आपके गजल गायक कौन है? जगजीत सिंह है और गुलाम अली साहब। गुलाम अली साहब के बारे में बताइए, कहाँ के हैं वो? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के, कौन से उनका गजल आपको पसंद है? चमकते चांद को टूटा हुआ सितारा बना डाला, ये उनका। अच्छा और अरिजीत सिंह साहब का कौन सा गजल पसंद है आपको सबसे? अरिजीत सिंह नहीं सर, जगजीत जगजीत सिंह सॉरी। कौन सा पसंद है उनका? जगजीत सिंह का है चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। ये सर। अच्छा और म्यूजिक में आप गाने भी सुनते हैं? यस। गाते भी हैं, गाना बनाते भी हैं क्या? सर हिंदी लिटरेचर जब ले रहे थे तो सोचे थे लिरिक्स में कुछ का लिखा हुआ कुछ है आपका? सर एक बार लिखे थे बट सर याद नहीं आ रहा। अपना लिखा हुआ याद नहीं आ रहा? अच्छा चलिए कोई बात नहीं।